हेलो फ्रेंड्स, शाहिन का किचन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, रमज़ान चल रहे हैं और रमज़ान में हम सब शाम में इफ्तार के टाइम बहुत तरह की चीज़ें बनाते हैं, ज़्यादातर जिसमें फ्राइड रहती हैं। पर कुछ हमें ट्राई करना चाहिए कि ऐसी हल्की चीज़ें भी हम जो बनाएं जिन्हें फ्राई करने की ज़रूरत ना पड़े, हेल्दी भी हों और टेस्टी भी। तो उसी में हम आज आपको बताएंगे, सूजी से रवा इडली बनाएंगे हम, पर ये ढोकले जैसे टेस्ट करेगी। इसमें हम सिरप भी बनाएंगे, तो चलिए हम देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या लिया। ये 1.5 कप मैंने सूजी ली है, रवा या सेमोलिना जिसे कहते हैं, मेजरिंग कप से 1.5 कप है। ये खट्टा दही है 1/2 कप, शक्कर है 2 टीस्पून, 2 से 3 टीस्पून ले सकते हैं, तेल है, राई दाना है या मस्टर्ड सीड्स, हल्दी है, लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं, 2 टीस्पून बेसन है या चिकपी फ्लावर जिसे कहते हैं, करी लीव्स है बघार के लिए, साइट्रिक एसिड है, ये नींबू का सत रहता है, अगर साइट्रिक एसिड ना हो तो फिर हमें नींबू के रस की ज़रूरत पड़ेगी, नमक अपने हिसाब से लेंगे, ये येलो फूड कलर है, ऑप्शनल है, डालने से अच्छा कलर आता है, इनो का एक सैशे है, प्लेन वाला लिया है मैंने, अगर प्लेन नहीं हो तो आप लेमन वाला भी ले सकते हैं, पर चॉकलेट फ्लेवर का ना लें। और ये हरी मिर्ची है जिन्हें बीच में से चीर लिया है मैंने। ये इंस्टेंट इडली है, इसके लिए हमको भिगाने की ज़रूरत या रखने की या रेस्टिंग टाइम देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर कोई गेस्ट भी आपको इन्फॉर्म करते हैं कि वो 10 मिनट में आ रहे हैं, तो आप उसको 10 से 15 मिनट में आराम से रेडी कर सकते हैं। तो ये हमने सूजी ली, इसमें ये हमने खट्टा वाला दही डाल दिया, बेसन डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर जैसा मैंने कहा अपने टेस्ट के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, पर ये थोड़ी स्वीट रहती है इसलिए ज़्यादा चिली पाउडर की ज़रूरत हमें नहीं लगेगी, टर्मरिक पाउडर या हल्दी है, शक्कर थोड़ी सी हम बीच में डाल रहे हैं, बाकी हम सिरप बनाएंगे उसके लिए रख लिए हमने, नमक, नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, और ये फूड कलर, थोड़ा सा साइट्रिक एसिड, इसमें हम पानी में इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको डाइल्यूट कर लीजिए, ये मैंने इसे डाइल्यूट कर लिया, बाकी का हम सिरप के लिए रख रहे हैं, ये इसमें मैंने डाल लिया। अब इसको हम सब चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए ड्राई, थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे, एकदम से ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, बहुत पतला नहीं करना है इस घोल को हमें, इसमें 200 ml के करीब पानी लगा है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, अगर आपकी मोटी सूजी है तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इसे हमें रनी नहीं बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, बस इसकी थिकनेस हमको इतनी ही रखना है। ये हम इडली के सांचों में हमने तेल लगा लिया है, ब्रशिंग कर ली है, और ये सब हम रेडी रखेंगे। यहाँ हमने स्टीमर रेडी करके रखा हुआ है इडली का, और अब हम जल्दी से इनो डाल के इसको स्टीम करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। ये एक पूरा सैशे मैं ले रही हूँ, फाइनल स्टेज पे इसे करना है हमको, भिगा के नहीं रखना है, स्टीम करने या भाप लगाने के ठीक पहले हमको इनो मिलाना है इसमें, पूरे पैकेट को अच्छी तरह करके इसे मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आने लगे, एक एक चम्मच इसमें हम डाल लेते हैं, इसको पूरा हमें फिल करना है, ओवरफ्लो ना हो, इतना रखिएगा अंदाज से, डिपेंड करता है कि कितनी बन रही है, आपका सांचा कितना बड़ा है। स्टीमर का ढक्कन हमने लगा दिया है, अब इसे हम घड़ी देख के 10 से 12 मिनट भाप देंगे, खोल के चाकू से हम चेक करेंगे, अगर चाकू हमारा क्लीन आया दैट मीन्स कि हमारी इडली हो गई है, फिर इसमें हम बघार लगाएंगे। इडली हमारी 12 मिनट भाप लग चुकी है, ठंडी हो रही है, जब तक हम इसका सिरप तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा तेल लिया है, तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें हम राई के दाने या मस्टर्ड सीड्स डालेंगे, राई के दाने जब चटकने लग जाए तो उसमें हम ये बीच में से छिड़ी हुई हरी मिर्च डाल देंगे,
आंच थोड़ी धीमी कर लीजिए। करी लीज है, मीठी नींबू जिसे बोलते हैं, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसके हम पानी डालेंगे, एक ग्लास भर के हम पानी डाल दे रहे हैं क्योंकि हमें अपनी इडलियों में सिरप डालना है। अब इसमें हम ये जो चीनी हमने बचाई थी 1.5 चम्मच के करीब वो डाल दे रहे हैं। इसमें भी हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, खाने वाला कलर डालेंगे थोड़ा सा, और ये जो साइट्रिक एसिड हमने घोल के रखा था नींबू का सर, वो भी हम इसमें मिला देंगे। अब इसको थोड़ा सा 2 मिनट बॉईल करेंगे। इडली जब ठंडी हो जाए थोड़ी तो इसको हम आराम से, ये देखिए बहुत आराम से निकल जाती है ये, ये देखिए जितना मटेरियल हमने लिया था 1.5 कप उसमें हमारी 12 इडलियां इस साइज की तैयार हुई हैं और बहुत ही अच्छी बनी है, फ्लफी आप देख सकते हैं ये देखिए। और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दे रहे हैं, यहाँ हमारा सिरप बस 1 मिनट में तैयार हो जाएगा, फिर हम इसको इडली में डाल के ठंडा कर लेंगे। गार्निश करके इसको किसी भी चटनी के साथ हम सर्व कर सकते हैं। तो इसको हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं, बहुत हेल्दी नाश्ता है और ये मेरी बेटी को टिफ़िन में मैं अक्सर देती हूँ, बहुत झटपट बन जाता है, इसे ज़रूर ट्राई करें। पानी तैयार है, इसको थोड़ा थोड़ा करके हम सभी इडली पे डाल लेंगे, एक एक चम्मच भर के। फाइनली इसे हम धनिया से गार्निश करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट में सूजी की इडली ढोकला स्टाइल, क्योंकि इसमें हमने सिरप डाला है ढोकले जैसा, इसे आप ज़रूर ट्राई करें, रमज़ान में ही ट्राई करें, ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि नॉन फ्राइड है इसलिए हेल्दी भी है। तो कभी कभी हेल्दी चीज़ें भी हमें शामिल करना चाहिए फ्राइड चीज़ों के साथ। और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और सीखिए इसी तरह मेरे साथ कुछ हेल्दी और बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ जो कि बहुत जल्दी बन जाती हैं।